नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जब तक लिखा करें, शुरू से अंत तक, बीच में ना रुकें। जहाँ भी टफ वर्ड्स हो, वहाँ आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्ट। महोदय, भारत विशेषकर गांवों में ही बसता है। आज हम सबको एक बात मान लेनी पड़ेगी कि जब से हमने स्वराज्य प्राप्त किया और उसके थोड़े ही दिनों बाद महात्मा जी चले गए, तो हमारे ऊपर कई प्रकार की विपत्तियां आईं। हमारे सामने नित्य नए नए प्रश्न तथा नई नई समस्याएं आती रहीं और हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनका हल निकालते रहे। पर हमको यह भी मानना होगा कि हम उस प्रकार का व्यापक विचार नहीं कर सकते जितना महात्मा जी किया करते थे। हम लोग किसी एक चीज को लेकर उसमें बह जाते हैं कि वही एक चीज है जिसको महात्मा जी चाहते थे, और इसी कारण लोग गांधी जी के साथ रहे हैं। महात्मा गांधी सचमुच में महात्मा थे, और महात्मा का अर्थ आप यह समझें कि जिसकी अंतरात्मा सभी बातों को समझती है, जीवन की किसी एक बात को लेकर नहीं, बल्कि जो व्यक्ति सभी बातों का हल बताता है और अपने जीवन में उसको कार्य रूप में परिणत करके दिखलाता है, वही महात्मा होता है। इसलिए आज जब महात्मा जी नहीं रहे और जब हमको किसी प्रश्न पर सोचना पड़ता है, तो हमें यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उनके सिद्धांत के अनुसार जो कार्यक्रम बना रहे हैं, वह उनकी दृष्टि से ठीक उतरता है या नहीं। मेरा बराबर यह विश्वास रहा है कि भारतीय किसान खेती के काम में कुछ नौसिखिया नहीं, और उसे इसका कई पीढ़ियों का अनुभव है। बिहार के किसानों ने पिछले 20 वर्षों में जिस तेजी के साथ नए प्रकार के गन्ने की खेती अपना ली है, उससे यह बात प्रमाणित हो जाती है कि भारतीय किसान लकीर का फकीर नहीं, जो नए सुधरे हुए तरीकों को अपनाना नहीं चाहता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उसे इस बात का संतोष और विश्वास दिला दिया जाए कि किसी नई पद्धति से या किसी नई किस्म की चीज उपजाने से उत्पादन अधिक होगा। देश के सामने खाद्यान्नों का प्रश्न अत्यंत महत्व है, और यद्यपि इन दिनों शहरी जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, पर यह आज भी सच है कि भारत ज्यादातर गांवों में ही बसता है। गांवों और गांव वालों की उन्नति के लिए जो कुछ भी किया जाए, उसका केवल स्वागत ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और लोगों को प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिए। महात्मा गांधी इसलिए गांवों के विकास पर बहुत जोर दिया करते थे। यह एक बड़ा शुभ विचार है
कि आज उनके जन्मदिन पर इस सामुदायिक विकास योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। इस देश में सामुदायिक विकास और सामुदायिक योजना नए शब्द हैं, पर यह विचार बहुत पुराना है। इसका मौलिक तात्पर्य किसी एक दिशा में उन्नति के विपरीत चहुमुखी उन्नति से है। अधिकन्न उपजाऊ संबंधी कार्यक्रम से तथा विभिन्न राज्य सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा देहात सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्य के हमारे अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि देहाती जीवन के सभी पहलू एक दूसरे से संबद्ध हैं, और यदि एक-एक पहलू को अलग-अलग लिया जाए तो स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। यदि यह अभिप्राय नहीं कि विशिष्ट समस्याओं को महत्व ना दिया जाए, परंतु उनसे संबंधित आयोजन किसी विस्तृत योजना के ही अंग होने चाहिए और भी समस्याएं उस योजना के अंतर्गत आ जाए। इस काम में सफलता तभी मिल सकती है जब सरकारी व्यवस्था गैर सरकारी नेतृत्व और जनता के उत्साह में परस्पर सहयोग और खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पशु सुधार तथा बेकारी दूर करना इत्यादि सभी प्रकार के काम एक साथ हाथ में लिए जाएं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने देश के अनेक भागों में इस प्रकार के काम बहुत निस्वार्थ भाव से किए हैं, और दूसरी संस्थाओं तथा व्यक्तियों ने भी इस दिशा में बहुत कुछ किया है। लेकिन पर्याप्त धन और यथेष्ट मात्रा में विशिष्ट काम करने वाले न मिलने के कारण उनका विस्तार ना तो उतनी दूर तक हुआ और ना उतनी तेजी के साथ हुआ जितना हम चाहते थे। भारत और अमेरिका के बीच जनवरी 1952 में हुए प्राविधिक सहयोग समझौते से इस योजना में उन्नति की नवीन संभावनाएं हो गई हैं। उपसभापति महोदय, आज का दिन केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन मानना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी ने जन्म लिया था और यह हमारे देश का सौभाग्य था कि उनका जन्म इस देश में हुआ। 80 वर्षों तक काम करके और एक प्रकार से अपना काम पूरा करके वह चले गए, और जो काम वे अधूरा छोड़ गए उसका भार जो लोग बच गए हैं उन पर पड़ गया है। आप जानते हैं कि महात्मा जी ने अपने जीवन में जितने काम किए वह सब एक सिद्धांत के अधीन और एक सिद्धांत के अनुसार थे। उनका कार्यक्रम जब जब समय के अनुसार बदलता था और बदल सकता था, पर वह जो भी कार्यक्रम बनाते थे अपने सिद्धांतों के अनुसार ही बनाते थे। उनके चले जाने के बाद जब हम सभी बातों पर विचार करके देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उनके मानव जीवन के और विशेषकर भारतवर्ष के लोगों के जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा और सभी विषयों पर केवल अपना मत ही प्रकट नहीं किया, बल्कि जो जो प्रश्न तथा समस्याएं सामने आई सभी को सुलझाने का
कोई ना कोई प्रयत्न उन्होंने बतलाया। उस समय देश स्वाधीन नहीं था, इसलिए उनका ध्यान बहुत करके स्वाधीन प्राप्ति की, और हो गया तो उसमें उनका समय भी बहुत लगा। स्वाधीनता के लिए जो संग्राम उन्होंने छेड़ा, देश के लोगों ने भी उसी ओर अधिक ध्यान दिया और उसी में अधिक भाग लिया। महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिक पुरुष नहीं थे, महात्मा गांधी सचमुच में महात्मा थे। और महात्मा का अर्थ आप यह समझें कि जिसकी अंतरात्मा सभी बातों को समझती है। आप लोगों को डिक्टेशन अच्छी लगी, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दैट्स ऑल।